सो हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज आपको मैं कुछ इस टाइप का जो भी शॉर्ट वीडियो ओवरले है वो बनाना सिखाऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा वायरल है अभी पबजी लाइट की शॉर्ट वीडियोज़ में, तो इसको बनाना सिखाऊंगा। तो यार वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हमको अपने पिक शार्ट को ऐड ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमको टैप करना है। इसके बाद यहाँ से हमको एडिटर फोटो पर जाना है और यहाँ से हमको जाना है बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड जाने के बाद जो फर्स्ट नंबर का बैकग्राउंड यहाँ से आएगा उसी पर हमको क्लिक कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है। और अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको टूल्स पर जाना है। और टूल्स पर जाने के बाद यहाँ से हमको जाना है क्रॉप पर। और अब की बार यहाँ से थोड़ा सा राइट में आएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोरी वाला, तो उस पर हमको टैप कर देना है और इसको कर देना है ऐसा राइट पर क्लिक। देन इतना हमारा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐड फोटो पर जाएंगे। और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे बैकग्राउंड पर। और बैकग्राउंड पर जाने के बाद यहाँ से हमको एक इसके कलर पर जाएंगे और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं ऐड। और इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके क्रॉप पर जाना है और इसको 16:9 पर कुछ इस तरह से कट कर लेना है। फिर यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है और फिर कुछ इस तरह से इसका साइज इंक्रीज़ करके इसको ऊपर की साइड में रख लेना है कुछ इस तरह से। देन इसके लेयर पर क्लिक करना है और इसके ऊपर डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको नीचे की साइड में रख लेंगे। तो कुछ इसी तरह से इसको नीचे की साइड में भी रख लेना है, देख लीजिए कुछ इस तरह से। और फिर इतना करने के बाद यहाँ से हमको साइड में टैप कर देना है और फिर यहाँ से जाना है हमको ऐड फोटो पर। और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से भी PNG इसको ऐड कर लेंगे हम अपने जो भी पबजी लाइट का लोगो उसका, तो उसको यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसको अपने जो भी ऊपर वाला जो भी अपना बैकग्राउंड था ना उसके ऊपर इसको सेट कर लेना कुछ इस तरह से। देन इतना करने के बाद क्या करेंगे, साइड में टैप कर देंगे और फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे। और अब की बार यहाँ से जो टेक्स्ट वाला अपने जो बीट फॉर एंड वाला टेक्स्ट है इसको ऐड कर लेंगे। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से दोनों को डाउनलोड कर लेना। तो इसको भी यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको हमने यहाँ से सेट कर लिया। देन इसको इतना करने के बाद ये हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको सेव कहाँ से करना है, जहाँ से मैं बताऊँगा वहीं से सेव करना है। तो ये वाइट वाला बटन है तीर वाला, इस पर हमको टैप करना है और यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। और नीचे सेव पर टैप करने के बाद ऐसे गैलरी पर हमको टैप कर देना, यहीं से हमको सेव करना है। तो इसको ऐड कैसे करना है वीडियो वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको काइनमास्टर पे आना है, फिर यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हमको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक रेशियो सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला, ये 9:16 है ये वाला रेशियो आपको सेलेक्ट करना है जो हमारे शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे और फिर इतना करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमको अपनी जो भी वीडियो उसको सेलेक्ट कर लेना है जिस पर हमको ये ओवरले लगाना है। तो इसको हमने सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद क्या करना है, पहले तो अपने जो वीडियो उसको ऐड कर लिया है। तो अब क्या करना है, यहाँ से अपने जो भी वीडियो का जो पार्ट है जिस पर हमको लगाना है तो उसको ऐसे कट कर लेंगे पहले। तो इस वीडियो पर हम टैप करेंगे, फिर कैची पर क्लिक करने के बाद इससे ट्रिम टू लेफ्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा आगे आने के बाद इसको ट्रिम टू राइट भी कर लेंगे। तो ये हमारी वीडियो, तो पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको स्टार्टिंग में जाना है बिल्कुल। फिर यहाँ से हमको लेयर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से मीडिया पर जाना है और अभी अपने जो भी एडिट किया था ना ओवरले उसको ऐड कर लेंगे यहाँ से। तो ये ओवरले इसको ऐसे हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन ढूंढना आपको अपने कैनवास में स्प्लिट स्क्रीन वाला, तो आपको कहीं देख लें नीचे मिल जाएगा। तो मेरे में ऊपर ही है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है उसी पर हम टैप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेट हो चुका है। तो अब क्या करना है, अपने जो भी ओवरले उस पर टैप करना है, उस तरह से इसको खींच लेना है और अपनी पूरी वीडियो तक इसको अप्लाई कर लेना है। और फिर अब क्या करना है, अपनी जो भी मेन वीडियो उस पर हम टैप करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे पैन एंड जूम पर और कुछ इस तरह से इसको जूम कर लेंगे अपनी वीडियो को। देन सेकंड वाले पर हम यहाँ से टैप करेंगे और इसको भी यहाँ से जूम कर लेंगे कुछ इसी तरह से। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी जो वीडियो एडिटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको यदि आपको इसको बनाने में कोई परेशानी होती है तो कोई बात नहीं यार, मैं आपको पूरे ओवरले की लिंक दे दूँगा, ऑलरेडी एडिटेड ओवरले की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप ओवरले डाउनलोड कर लेना, आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।